नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आज का उज्ज्वल पाटनी शो देखने के बाद आपका बिजनेस 200% बढ़ सकता है, 400% बढ़ सकता है या उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, तो हैरान मत होना। तो सबसे पहले एक सच जान लें कि अधिकांश बिजनेस ओनर्स का 80% बिजनेस 20% कस्टमर से आता है। यदि आप अखबार में कितना भी खर्च करके एक ऐड दें तो भी वो आपके टारगेटेड 20% तक पूरा नहीं जाएगा, वो स्पिल ओवर हो जाएगा और बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट तक भी पहुंचेगा जो आपके काम के नहीं है। यदि आप टीवी पर एक कॉमर्शियल देते हैं तो भी वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट तक पहुंचेगा जो आपके काम के नहीं है। लेकिन आज जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ उसी क्लाइंट तक पहुंचेगा जो आपका ड्रीम क्लाइंट है। वो 20% ड्रीम क्लाइंट जो आपके 80% बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, और यदि वहां पे मेहनत की जाए तो बिजनेस में क्रांति आ जाएगी। मैं तरीका बताऊं उसके पहले याद दिला दूं, आप ये शो इस वक्त उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, 500 से ज्यादा लाइफ और बिजनेस के वीडियोज हैं, हर दिन एक भी देखेंगे ना जिंदगी बदल जाएगी। आज की अपनी क्लाइंट बुक देखिए और अपने टॉप 10 क्लाइंट की लिस्ट पहले निकालिए। जब आप अपने टॉप 10 क्लाइंट की लिस्ट बनाएं तो बाजू में उनके बारे में 4-5 पॉइंट लिखने की कोशिश करना कि वो आपके टॉप 10 क्लाइंट क्यों हैं, ताकि आपके टॉप 10 क्लाइंट की एक पर्सनैलिटी आपके सामने क्लियर हो जाए। मतलब अब 50 ड्रीम क्लाइंट की लिस्ट बनाइए जो उसी प्रोफाइल में फिट होते हैं जैसे आपके 10 हैं, लेकिन वो अभी तक आपके साथ व्यापार नहीं करते हैं, वो आपके साथ शॉपिंग नहीं करते। हो सकता है करते भी है तो नाम मात्र का करते हैं। हो सकता है शुरू में तुरंत इतने ग्राहक नजर ना आए, 5 नजर आए, 10 नजर आए, 20 आए, 25 आए, उन्हीं से शुरू कर लीजिए। एक बार शुरुआत तो हो, अरे जब ये माल आने लग जाएगा ना ताल अपने आप आ जाएगी। तो कैसे सोचेंगे उनको, रीजन वाइज सोचिए कि आपके प्रोडक्ट की खपत किस रीजन में और हो सकती है, और वहाँ उस पर्सनैलिटी को सूट करने वाले और कौन क्लाइंट हैं। यदि आपके पास कोई ब्रोकर है तो आप उस ब्रोकर से बात कीजिए, यार मुझे इस तरीके के क्लाइंट और चाहिए, बदले में मैं तुमको इंसेंटिवाइज करूँगा, मुझे ऐसे क्लाइंट से कनेक्ट करो। एक्सप्लोर योर ओन क्लाइंट लिस्ट। हो सकता है आपने टॉप 10 बिजनेस के आधार पर बना लिया, भाई जिसके साथ आपकी सबसे ज़्यादा बिलिंग होती है आपने उसको लिख लिया, लेकिन आपकी लिस्ट में और कई जबरदस्त क्लाइंट हैं, और वो जबरदस्त क्लाइंट आपको तो थोड़ा सा बिजनेस देते हैं, किसी और को इतना बड़ा बिजनेस देते हैं। तो हो सकता है उस क्लाइंट को इंस्पायर करके, कुछ और फैसिलिटीज देके, कोलैबोरेशन को और डीप करके आप उनका ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ले सकें। और समझना है तो भाई कोई कॉम्पिटिटर की लिस्ट को देख लेना कि उसके टॉप 10 क्लाइंट कौन है, और यदि ज्यादा गहरे उतरना हो तो किसी कॉम्पिटिटर से किसी क्वालिटी स्टाफ को हायर भी कर सकते हो। तो जब आपके पास 50 एस्पिरेशनल ड्रीम क्लाइंट, वो क्लाइंट जो आपके बिजनेस में 80% योगदान देंगे, वो लिस्ट जब आपकी तैयार हो जाए, तब आपके पास 200% और 400% का फॉर्मूला आ गया। देखिए जो सलाह आज मैंने आपको दी, यह बिजनेस गुरुकुल की टाइम टेस्टेड सलाह है। इसी को छोटे रूप में हमने बार बार बिजनेस ऑडिट में बताया है। यहाँ स्क्रीन पर डेट्स आ रही है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। ये तो सिर्फ एक सलाह है, ऐसी 50 सलाह जो बिजनेस को मल्टी एक्स कर सकती है, ये जानना हो तो आपको बिजनेस गुरुकुल और बिजनेस ऑडिट में पहली अपॉर्चुनिटी मिलते साथ आना पड़ेगा। सबसे पहले अपने ड्रीम क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके यदि उनका कोई पेन पॉइंट है तो वो आप निकाल लीजिए, प्रोबेबल पेन पॉइंट निकाल लीजिए। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ डमी कॉल करना पड़े, हो सकता है उनके कोई स्टाफ आपको बताए, हो सकता है मार्केट से आपको पता लगे। लेकिन जैसे ही आपके पास आपके क्लाइंट का पेन पॉइंट आ गया, ड्रीम क्लाइंट का पेन पॉइंट आ गया, समझिए जादू शुरू। देखिए आपने 5 ही ड्रीम क्लाइंट बनाए तो आपको पता है उसमें एक क्लाइंट को बड़े बल्क में माल चाहिए रहता है जो उसका करंट सप्लायर नहीं दे पा रहा है। हो सकता है रिसर्च में आपको यह पता लगे कि आपके एक ड्रीम क्लाइंट को पेमेंट की थोड़ी क्राइसिस है, यदि उसको कोई ज्यादा टाइमलाइन देने वाला मिल जाए तो वो आपके साथ काम कर लेगा, पार्टी पक्की है, कैश फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ है, और मान लीजिए आपके पॉकेट में डेप्थ है, आप जो सप्लायर इस वक्त कॉम्पिटिटर को माल दे रहा है उसकी तुलना में 15 दिन या 1 महीने का ज्यादा साइड दे सकते हैं, तो आप उस क्लाइंट को यूं हासिल कर सकते हैं। 2x12 स्ट्रेटजी अभी आपको समझाएगी कि किसी भी ड्रीम क्लाइंट को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है।
तो दो मेल, किसी भी ड्रीम क्लाइंट को दो मेल जरूर कीजिए, जिसमें ऊपर में आपने उनकी तारीफ की, फिर उसके बाद अपने फीचर्स बताए, अपने अवार्ड्स रिकॉग्निशंस बताए, और फिर आपने बताया आपने किन लोगों के साथ काम किया है, और फिर आपने उनके साथ काम करने की स्ट्रांग इच्छा जताई। दो मेल आपको कुछ दिनों के गैप में डालना ही होगा। एक मेल डाल के ये मत सोच लेना कि रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सामने वाले की भी अपनी व्यस्तताएं हैं। तो टू मेल्स, सेकेंड स्टेप टू व्हाट्सएप, दो डिटेल्ड व्हाट्सएप जरूर से जरूर डालें। कई ऑर्गेनाइजेशन ईमेल नहीं पढ़ते, वो उतने टैक्स सेवी नहीं होते और उनके यहाँ लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा फोकस करते हैं। थर्ड स्टेप, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, दो कंप्लीट कॉल जो 5-7-10 मिनट कम से कम चले, जिसमें सामने वाले ने कुछ सवाल जरूर पूछे हों, क्योंकि यदि आप एक साइड से बोल बच्चन भाषणबाजी करते रहेंगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो जैसे इंटरेस्ट लेगा वो आपसे सवाल पूछेगा। दो टेस्टिमोनियल, तो उनके दो टेस्टिमोनियल आप उनको भेजिए कि हमारे क्लाइंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स का हमारे साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस है, ये आप उनको भेजिए। क्योंकि आप कितना ही समझा लें, एक टेस्टिमोनियल आपसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि आप तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे ही करेंगे। टेस्टिमोनियल तब मिलते हैं जब आपका प्रोडक्ट किसी और को पसंद आता है। तो अब यहाँ पर आपने 8 एक्शन ले लिए। इसके बाद अगला, दो ग्रीटिंग्स। उस महीने में कोई भी त्यौहार है, देखिए अभी तक आपने सारे सेल्स के काम किए थे, टू मेल टू व्हाट्सएप टू कॉल टू टेस्टिमोनियल, अब नॉन सेल काम, जस्ट रिमाइंडर, कोई बढ़िया त्यौहार आया तो दो शानदार ग्रीटिंग्स, बढ़िया ग्रीटिंग्स आपको उनको भेजना है, और वो ग्रीटिंग्स पर्सनल टच देगी, इमोशनल टच देगी, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान इमोशनल टच को वेटेज देता है, और उनको एक वक्त पे जाके लगता है यार सामने वाला बंदा इतना ट्राई कर रहा है हमारे साथ बिजनेस करने का, यार इसको रिस्पांस दे देते तो पक्का अपने मैनेजर को बोलेगा, ये बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, ज़रा देखिए। मैनेजर उनको बोलेगा सर इनके साइड से बहुत फॉलो अप आ रहा है, क्या करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फिजिकल मीटिंग्स, क्योंकि यही मिला के होता है 2/12। दो फिजिकल मीटिंग जरूर से जरूर करें अपने ड्रीम क्लाइंट से मिलने के लिए, भले ही उसके शहर जाना पड़े, उसकी फैक्ट्री जाना पड़े, उसकी बिजनेस प्रेमाइज जाना पड़े, साथ में कोई एक मेमेंटो लेके, कोई गिफ्ट लेके, अपनी जगह की कोई यादगार चीज लेके उसके पास जाएं, उससे मिलें, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करें, अपने बारे में बताएं, और आप ये जरूर कहें सर बिजनेस होना हो, आपसे मिलने की इच्छा थी, एक बार आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना था, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी इसलिए मिलने आया हूँ, बाकी बिजनेस तो ऊपर वाले की इच्छा है, यदि आपको हमारे में क्वालिटी नज़र आएगी तो आप ज़रूर देंगे। तो कहीं कहीं पर आग्रह, कहीं कहीं पर मनुहार, और कहीं कहीं पर ब्लेसिंग्स, ये सब मिला के जब 2/12 स्ट्रेटजी अपना काम करती है तो मान के चलो 50 ड्रीम क्लाइंट में से 25 आपकी झोली में जरूर गिरेंगे। अभी जो सलाह मैंने आपको दी वो जीरो कॉस्ट जरूर है, फिर से ध्यान से सुनना, वो जीरो कॉस्ट जरूर है, लेकिन बाद में इतने जीरो लग सकते हैं कि उन जीरोस का आनंद उठाते उठाते आप हीरो हो जाओगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार।